रोहित भाई क्या कहेंगे, पानी की समस्या मुंबरा में कई सालों से, आपने भी कुछ पत्र व्यवहार किया है, क्या बताएंगे इसलिए? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुमरा में आज दसियों साल से पानी की तकलीफ है, ये आप मानते हैं। इस संबंध में ठाणे महानगर पालिका के पानी पुराटा के अधिकारियों से, सारे नगर सेवकों से मीटिंग हुई थी कि भाई अमर ये हमेशा बार बार पानी की जो दिक्कतें हैं हो रही हैं, यहाँ एमरजेंसी में टैंकर होना चाहिए। जो टैंकर हैं वो ठेकेदार के हैं, तो उन्होंने ये बात को माना है कि हर नगर सेवक 2 लाख रुपया मुमरा शहर के लिए, अपने अपने वार्ड के लिए टैंकर के लिए डोनेशन अपने निधि से देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। मेरे पास पूरा उसका रिकॉर्डिंग है। दूसरी बात, उसमें एक नगर सेवक ने 2 लाख रुपया अपनी निधि से दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। ये तो खुलासा हो गया कि उनकी जो निधि ठाणे महानगर पालिका ने जो देती है प्रभाग सुधारने के लिए, और जो नगर सेवक की निधि, वो आप उठा के देख सकते, सारा निधि खत्म हो गया, निकल चुका है, कोई निधि बचा नहीं है। तो अब जैसे पुरवाई और पछियाव चलता है, हवा जैसे चलने लगी, गर्मी का टाइम आ गया है, तो उस कुछ नेताओं ने जो 10-10 साल से ठाणे महानगर पालिका के सदन में रहे, वहाँ ये आवाज़ नहीं उठाया गया कि ये बार बार जो पानी की दिक्कतें होती है, जो MIDC जो आप वासी का जो लाइन गया है, जो डैम से पानी आता है, जो मुमरा की तरफ से अंदर आता है, आप देख सकते हैं कि कौसा और ये दीवा, ये दोनों जो है मिल के यहाँ पे वो लाइन आया है। और जो आपको देख सकते हैं कि संजय नगर से लेके रेती बंदर तक, वो अलग MIDC है, वहाँ कभी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे तकलीफ इसलिए हुई है कि TMC जब कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसको पहले पानी का बंदोबस्त होता है, रोड का बंदोबस्त होता है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्ती अपार्टमेंट जो है, वहाँ पे आज भी लोग पानी जो है बिस्लेरी का पी रहे हैं। तो यहाँ पे हमको संदेहजनक बात यह है कि TMC इसके ऊपर खेल कर रही कौसा और दीवा के लिए। तो हमारा कहने के मतलब ये है कि कोई भी नेता जब इलेक्शन आता है तो बोलता है कि मैंने MLD पानी का बढ़ाया, तो कौसा और दीवा में 50 से 51 MLD पानी इधर आ रहा है, और 10 से 12 MLD जो है वहाँ पे जो रेती बंदर की तरफ का एरिया वहाँ आता है। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उन प्रोजेक्ट को पानी जो जा रहा है बेबुनियाद जा रहा है, उसका तकलीफ मुमरा कौसा के लोगों को उठाना पड़ रहा है। अभी देखो, जब ये आवाज़ उठी 2 दिन पहले ठाणे महानगर पालिका में, तो पानी विभाग हरकत में आ गए, वो लिस्ट निकालना चालू किए, कौन सा बिल्डिंग का पैसा कितना बाकी है, कौन नहीं भर रहा है, तो वो बुनियाद निकाल देते हैं जब पानी मांगो। तो हमने तो एक लेटर दिया था कि ठीक है, 2021 में हमने पानी दी पुराटा को दिया, जब इन्होंने काम नहीं किया, तो 31/3/2023 को हम माननीय मुख्यमंत्री को और नगर विकास को पत्र दिया था कि मुमरा शहर 10 से 15 लाख वाली आबादी शहर में, यहाँ टांकी होना चाहिए, जो कभी इमरजेंसी में वो टांकी से पानी मिल सके। तो उन्होंने ये मुझे 13 फरवरी 2023 को ये मुझे लेटर आया कि आपका जो मांगनी हमने पूरा करने के लिए पानी पुराठा के थाना के वरिष्ठ लोगों को भेज दिया है, वो भी मुझे लेटर दिया है। फिर उसके बाद वो अधिकारी हमें कहा कि भाई अभी वो ज़मीन जो है जहाँ कहाँ पे जगह है टाँकी बनाना है, वो हमें अभी सर्वे कराने के लिए हम नगर इसको दिए हैं, 7-12 वालों के लिए जो है तलाटी को दिए हैं, अभी हमें मालूम हो जाए हम। तो ये मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि ये जो बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर डाल रहे हैं, उसके बाद डाल रहे हैं, जब ये परमिशन हो गया है टाँकी बनाने का, तो इसका काम चालू होना चाहिए। ये नहीं कि चुनाव आ जाए, गर्मी आ जाए, तो कोई भी आके खड़ा हो जाता है कि पानी जो है हमारे, अरे सबसे पहले भ्रष्टाचारी तो आप लोग हैं। आप लोग 15 साल से ठाणे महानगर पालिका के सदन में थे, कभी मुमरा शहर के लिए आवाज़ उठाए क्या?
ये जो TMC की बिल्डिंगें बन रही हैं उनको पानी की सुविधाएं है क्या? आप देख सकते हैं सारी सुविधाएं ना होकर भी उनको नॉन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी दे देती म्युनिसिपैलिटी, आओ रहो, जबकि जब तक सब सुविधाएं नहीं होती TMC में रहने का किसी को अलाउ नहीं है, सिर्फ कौसा और दीवा में है। तो इसलिए इस संबंध में हमने आला अधिकारी से बात की है कि भाई पानी की जो समस्या है वो पानी की समस्या शहर में ख़त्म होना चाहिए, जो गटर और नाला के अंदर से लोगों को बिल्डिंगों में, वो नगर सेवक, वो प्रतिनिधि जो अपने वोट के लिए लाइनें चोरी से दिए हैं उसको निकाल देना चाहिए, और जिस बिल्डिंग में अगर आधा इंच पानी का कनेक्शन है और उससे 50 लोगों का बिल लिया जा रहा है उस पे जो है उनको कनेक्शन बढ़ाया जाना चाहिए, और उनका पुराना बिल जो है उनके ऊपर जो डाला गया है वो माफ़ करना चाहिए। इसकी हम प्रशासन से मांग किया है कि जो भ्रष्टाचार मुमरा शहर में है पानी के ऊपर, और दूसरी ये भी हमने मांग किया है कि जब भी कोई बात होती है तो पानी पुराटा के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास जो कोई काम करने वाला नहीं है। अभी कल एक KGN बिल्डिंग का मसला बहुत दिन से चल रहा था, कल वो फाइनल हुआ, जब उनको बोला पानी नहीं आ रहा, लिखित में दिया, भाई पैसा काहे के लिए ले रहे हो, जब आप पानी देंगे तो पैसा लो ना, पानी किधर है, वो लेटर पे लेटर दे रहे। दूसरी बात, उन्होंने कल जवाब दिया ठीक है, उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई जाके उनको जो है नया लाइन शिफ्ट कर दो। कोई जो पहले का प्लम्बर तो कहता था नहीं, वो कोई एक है प्लम्बर उसको प्राइवेट से कराओ, तो वो प्राइवेट वाला क्या करता है, पानी का जो लाइन जाता है निचला एरिया वो आगे से ले लेता है रोड के ऊपर, आप देख सकते हैं कंधारी के आगे सारा रोड में कनेक्शन डाला है, वो किसकी देन है? TMC की देन नहीं है, वो यहाँ के वोट लेने वाले की देन है कि लोगों को खुश करके रखो, झूठी बात करो और उसको जो है हम फायदा उठाते रहे, इसके ऊपर हम आवाज़ उठाएं, वो आवाज़ हमारा बंद नहीं होगा जब तक काम नहीं होगा। 212 करोड़ रुपया जो आया रीमॉडलिंग का, उसको लेकर क्या करें? रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट 212 करोड़ जो रुपया आया उसकी हमने मांगनी भी किया कि 212 करोड़ रुपया आया है वो कहाँ गया है? अगर आया है तो आप जो है टांकी बनाइए, और जो पाइप लाइन जो मुमरा में टूट जा रहा है, फूट जा रहा है, वाल टूट जा रहा है बार बार हर 2 महीने में, वो काम होना चाहिए। तो उन्होंने हमें लेटर दिया है कि नहीं, हमने प्रशासन का लेटर आया है और हम काम कर रहे हैं। अब देखो ये कितना सही बात कर रहे हैं TMC, उसके लिए हम अभी ऐलान आज आपके न्यूज़ के माध्यम से करते हैं, अगर पानी की सुविधा ऐसा गटर और नाला से लोगों को देंगे तो मुमरा की जनता कोई पैसा नहीं भरेगा, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े पहले अपना सिस्टम सड़ा हुआ सही करो, फिर उसके बाद आप पैसा लो, पानी दो पैसा लो, ये नहीं कि चुनाव आते बिल्डिंगों के ऊपर 1-1 लाख 10-10 लाख रुपया बिल बना के भेज रहे हो, अभी पानी नहीं उसकी आवाज़ उठा रहे, तो TMC के अधिकारी जो है लिस्ट लेके घूम रहे, तो लिस्ट लेके जब ही घूमो जब सही तरीके से तुम काम करो, ये मेरा कहने का मतलब ये है।